तो गाइस जिस वीडियो का आप मेरे वीडियो के स्टार्टिंग में देखे हो, इस वीडियो को दोस्तों बनाने के लिए सागर भाई ने मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज करके बोला था। देख सकते हैं दोस्तों, ये है सागर भाई का इंस्टाग्राम आईडी। गाइस मैं पहले सागर भाई को सॉरी बोलना चाहूंगा क्योंकि फ्रेंड्स ये वीडियो जो है एक दिन बाद आ रहा है। गाइस मैं अपने कुछ पर्सनल काम में बिजी था जिसके कारण दोस्तों मैं कल ये वीडियो नहीं बना सका। दोस्तों ये वीडियो कल ही वायरल हुआ है। गाइस अगर आप भी कुछ इस तरह का वीडियो फ्रेंड्स अपने टिकटॉक के लिए बनाते हो तो फ्रेंड्स आपका जो वीडियो है फ्रेंड्स वो वायरल होने के चांसेस ज्यादा रहेंगे क्योंकि गाइस ये वीडियो ही वायरल चल रहा है। गाइस जो मेरा चैनल कंटिन्यू देखता है उसको फ्रेंड्स पता है कि इस तरह का वीडियो बनाने के लिए दोस्तों मैं सबसे आसान तरीका बताता हूं। तो गाइस ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो वीडियो को अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को फटाफट एक लाइक कर दीजिए दोस्तों, और गाइस हो सके तो अपने फ्रेंड्स को भी थोड़ा सा ये वीडियो शेयर कर दे ताकि दोस्तों अभी कुछ इस तरह का वीडियो बना के फ्रेंड्स टिकटॉक में कुछ लाइक्स और फॉलोअर बढ़ा सके। गाइस अगर आप मुझे नहीं जानते हो तो मैं फ्रेंड्स आपको बता दूं कि मेरा नाम है विद्युत और मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके और हमारे यूट्यूब चैनल JSR कालौंडा में। दोस्तों अगर आप मुझे बकते हुए पहली बार सुन रहे हो या फिर मेरे चैनल पे ही दोस्तों आप पहली बार आए हो तो फ्रेंड्स आपको इसी वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिखेगा, सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके दोस्तों आप ऑल सेलेक्ट कर ले ताकि गाइस मैं कुछ भी लेटेस्ट वीडियो अपलोड करूंगा उसकी नोटिफिकेशन दोस्तों आपको मिलेगा। तो गाइस बिना किसी तरीके चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों इस तरह का वीडियो बनाने के लिए आपको क्या करना है, आपको बस फ्रेंड्स अपने स्मार्टफोन के काइंड मास्टर को ओपन करना है। तो गाइस चलिए अब अपने स्मार्टफोन के काइंड मास्टर को ओपन कीजिए, मैं दोस्तों वहां पर जाके आपको आगे का प्रोसेस बताता हूं। दोस्तों यहां पर देख सकते हैं जो मेरा स्मार्टफोन का काइंड मास्टर एप्लीकेशन है उसको मैंने ओपन कर लिया है। मैं दोस्तों काइंड मास्टर का प्रोमो कोड यूज़ करता हूं। आपको अगर दोस्तों इस वाले प्रोमो कोड को डाउनलोड करना है तो मैंने इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक दे के रखा है दोस्तों, जहाँ से गाइस आप काइंड मास्टर प्रोमो कोड को डाउनलोड कर सकते हैं। अब दोस्तों आपका जो बीच में नियुक्ति फाइल का एक ऑप्शन दिख रहा होगा देख सकते हैं, इस वाले नियुक्ति फाइल में फ्रेंड्स आपको क्लिक करना होगा। जैसे दोस्तों आप इसमें क्लिक करते हैं कुछ इस तरह के तीन एक्सपेक्ट रेशियो आपके सामने आएंगे। यहाँ पर दोस्तों जो आपको टिकटॉक बनाने का एक्सपेक्ट रेशियो है वो है आपका 9:16 का। आपको गाइस 9:16 में आपको क्लिक करके अपना काइंड मास्टर एप्लीकेशन को आपको ओपन कर लेना होगा। गाइस यहाँ पर देख सकते हैं जो मेरा काइंड मास्टर एप्लीकेशन है उसको मैंने ओपन कर लिया है। अब दोस्तों आपको जो राइट साइड में मीडिया का ऑप्शन दिख रहा होगा देख सकते हैं, इस वाले मीडिया फ्रेंड्स आपको क्लिक करना होगा। जैसे दोस्तों आप इसमें क्लिक करते हैं कुछ इस तरह से फ्रेंड्स आपका गैलरी ओपन होकर आ जाएगा, और यहाँ से दोस्तों आपको अपना पसंदीदा एक बैकग्राउंड आपको सिलेक्शन करना होगा। मैं दोस्तों आपको दिखाने के लिए सिंपल सा यहाँ पर ब्लैक कलर के बैकग्राउंड को सिलेक्शन करता हूँ। गाइस यहाँ पर देख सकते हैं जो मेरा ब्लैक कलर का बैकग्राउंड है दोस्तों उसको मैं सिलेक्शन कर लिया हूँ। अब दोस्तों आपको क्या करना है, इसका ड्यूरेशन का दोस्तों बढ़ा के कुछ इस तरह से फ्रेंड्स आपको 15 सेकंड से कम रखना है क्योंकि गाइस टिकटॉक बनाने का जो वीडियो होता है दोस्तों वो 15 सेकंड से कम ही होता है कुछ इस तरह से। रख लेने के बाद गाइस आप क्या कीजिएगा, आप कुछ इस तरह से फ्रेंड्स आप फर्स्ट तरफ आइएगा। आने के बाद दोस्तों अभी आपको क्या करना है, आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में चले जाना है, जहाँ पर दोस्तों ये फुल तुम्हारे जेवर है वाला वीडियो का मैंने ग्रीन स्क्रीन देके रखा है। आपको दोस्तों उस वाले वीडियो को डाउनलोड कर लेना है। अगर दोस्तों मेरे दिए हुए डिस्क्रिप्शन के लिंक से ये वीडियो डाउनलोड नहीं होता है तो फ्रेंड्स मेरे डिस्क्रिप्शन पर ही मेरा टिकटॉक आईडी आपको मिल जाएगा, आप दोस्तों मेरे टिकटॉक आईडी से भी इस वीडियो को डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड कर लेने के बाद गाइस आपको क्या करना है, उस फाइल को सिलेक्शन करने के लिए जो आपको राइट साइड में लेयर का ऑप्शन दिख रहा होगा देख सकते हैं, इस वाले लेयर में आपको क्लिक करना होगा। जैसे दोस्तों आप इसमें क्लिक करते हैं कुछ इस तरह के 5 ऑप्शन आपके सामने आएंगे। यहाँ पर दोस्तों जो आपको फर्स्ट ऑप्शन है आपका मीडिया का, आपको इसी वाले मीडिया पर क्लिक करके अपना गैलरी को ओपन करना होगा, और यहाँ से दोस्तों आपको ग्रीन स्क्रीन के फाइल को आपको सिलेक्शन करना है। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं जो मेरा ग्रीन स्क्रीन का वीडियो है उसको मैं सिलेक्शन कर लिया हूँ। अब दोस्तों आपको क्या करना है, इस वाले एरो में पकड़ के इसको कुछ इस तरह से फ्रेंड्स इसको फुल स्क्रीन में करना है कुछ इस तरह से। कर लेने के बाद गाइस आप क्या कीजिएगा, आप फ्रेंड्स कुछ इस तरह से फ्रेंड्स स्लाइड कीजिएगा जहाँ से दोस्तों आपका ग्रीन स्क्रीन देखना स्टार्ट हो रहा है कुछ इस तरह से। तो गाइस देख सकते हैं इस जगह से मेरा ग्रीन स्क्रीन दिखना स्टार्ट हो जा रहा है। तो मुझे अभी क्या करना है दोस्तों, जो आपको राइट साइड में ऑप्शन सब दिख रहा होगा देख सकते हैं, इसी ऑप्शन गाइस अगर आप स्क्रॉल करके नीचे करेंगे तो फ्रेंड्स आपको यहाँ पर कोरमाकी का ऑप्शन दिखेगा। आपको गाइस इस वाले कोरमाकी में फ्रेंड्स आपको क्लिक करके यहाँ पर गाइस जो आपको की कलर सिलेक्शन करना है वह फ्रेंड्स आपको कुछ इस तरह से आपको यहाँ पर ग्रीन कलर सिलेक्शन करना है कुछ इस तरह से। आपको पहले दोस्तों यहाँ पर सिलेक्शन करना होगा, उसके बाद दोस्तों आपको कुछ इस तरह से आपको ग्रीन कलर सिलेक्शन करना होगा। अब दोस्तों आपको यहाँ से ओके करके इसको इनेबल कर देना है। जैसे गाइस आप यहाँ पर इनेबल करेंगे कुछ इस तरह से फ्रेंड्स यहाँ पर देख सकते हैं जो मेरा ब्लैक कलर का बैकग्राउंड है दोस्तों यहाँ पर दिख रहा है। गाइस आपको क्या करना है, अभी अपने वीडियो को दोस्तों कुछ इस तरह से आपको जूम करना है कुछ इस तरह, जिस तरह से तो मैं कर रहा हूँ, आप दोस्तों अपने वीडियो को अपने हिसाब से जूम कीजिएगा ताकि गाइस आपका जो फोटो है उसको एडजस्ट करने में फ्रेंड्स आपको आसानी हो। अब दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कुछ इस तरह से फ्रेंड्स आपको इस जगह पर आना है जहाँ से फ्रेंड्स आपका आईना दिखाना वो स्टार्ट कर रही है। अब दोस्तों क्या करना है, अपना फोटो का भी सिलेक्शन करना है।
फोटो को सिलेक्शन करने के लिए दोस्तों आपको जो राइट साइड में लेयर का एक ऑप्शन दिख रहा होगा देख सकते हैं, इस वाले लेयर में आपको क्लिक करना होगा। और यहाँ पर दोस्तों जो फर्स्ट ऑप्शन है आपका मीडिया का, आपको इसी मीडिया में क्लिक करके अपना गैलरी को आपको यहाँ से ओपन करना है। और यहाँ से दोस्तों आपको जो फोटो है वो फोटो आपको सिलेक्शन करना है। गाइस यहाँ पर देख सकते हैं जो मेरा फोटो है उसको मैं सिलेक्शन कर लिया हूँ। अब दोस्तों आपको क्या करना, इस बार एरो में पकड़ के इसको पहले आप छोटा कीजिएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे कुछ इस तरह से आपको टेढ़ा करना है, कुछ इस तरह से कर लेने के बाद आपको जो लेफ्ट साइड में 3 डॉट दिख रहा होगा देख सकते हैं, इस वाले 3 डॉट में क्लिक करके दोस्तों आपको सेंड टू बैक ऑप्शन में आपको क्लिक कर देना होगा। अब दोस्तों आप अपना वीडियो को थोड़ा सा आप कुछ इस तरह से आप स्लाइड कीजिएगा, जिस तरह दोस्तों मैं कर रहा हूँ आप भी कुछ इस तरह से कीजिएगा, कुछ इस तरह से। और दोस्तों जहाँ जहाँ आपका आईना दिख रहा है दोस्तों आपको वहाँ पर क्या करना है, जो लेफ्ट साइड में एक की दिख रहा होगा इसी की में क्लिक करके दोस्तों यहाँ पर प्लस का एक मार्क है, इस वाले प्लस मार्क में क्लिक करके दोस्तों आप कुछ अपने फोटो को कुछ इस तरह से आपको स्लाइड करना है, कुछ इस तरह से, कुछ इस तरह से। इसके बाद दोस्तों जब फिर से वो स्लाइड करेगी तो आपने फोटो को भी फ्रेंड कुछ इस तरह से फिर से आपको प्लस के मार्क में क्लिक करके और कुछ इस तरह से आपको स्लाइड करना है, कुछ इस तरह से। अब फिर से जब ये करेगी तब भी कुछ इसी तरह से आपको फ्रेंड इसी तरह से आपको अच्छे से आपको एडजस्ट कर लेना होगा। बाकी फ्रेंड्स आपको यहाँ पर बहुत ध्यान से ये चीज़ करना है, नहीं तो फ्रेंड्स आपका जो फोटो है फ्रेंड अच्छा से नहीं दिखेगा। तो गाइस यहाँ पर देख सकते हैं जो मेरा फोटो है उसको मैंने कुछ इस तरह से एडजस्ट कर लिया है। अब दोस्तों यहाँ पर मेरा ब्लैक कलर का जो बैकग्राउंड है फ्रेंड्स यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा मेरा रह जा रहा है, तो गाइस मैं सिंपल से इसी ब्लैक कलर में क्लिक करके दोस्तों इसको मैं कुछ इस तरह से सीजर में क्लिक करके इसको हटा देता हूँ। अब दोस्तों अगर अपना वीडियो को अगर आप प्ले करके देखते हैं फ्रेंड्स तो आपका वीडियो फ्रेंड्स जो कुछ इस तरह से दिखेगा। तो गाइज यहाँ पर देख सकते हैं जो हमारा वीडियो है कुछ इस तरह से तैयार हो गया है। तो गाइज इस तरह से आप बहुत ही आसान से स्टेप को फॉलो करके आप इस तरह का वीडियो बना सकते हो। अब फ्रेंड्स आपको जो लेफ्ट साइड में शेयर का ऑप्शन दिख रहा होगा देख सकते हैं, इस वाले शेयर में आपको क्लिक करके अपना फाइल को आपको एक्सपोर्ट कर लेना है। तो गाइज उम्मीद करता हूँ कि अगर आप वीडियो को इतना दूर देखे हो तो फ्रेंड्स आपको वीडियो डेफिनेटली अच्छा लगा होगा। तो गाइज वीडियो को फटाफट एक लाइक किए बिना मत जाइएगा। तो दोस्तों बिना के चलिए वीडियो पर अभी एंडिंग लगाते हैं।